Welcome to our computer science class. Myself Sakshi Jain and I'm your computer teacher. So today we discuss chapter number 2, parts of computers. Previous class you have learned many parts of computers like CD, DVD, speaker, earphones and pen drive. Today let's discuss remaining chapter. Name these computer device by reading their description. यहाँ पे आपको कुछ description दिया है, उससे आपको देखना है कि ये कौन सा device है computer का. Used to store data and information and is generally retained inside a computer. हम information और data store करते हैं जो computer के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम hard disk कहते हैं. तो यहाँ पे क्या name आएगा? Hard disk. Second, circular storage device used to store large data like games and full-length movies. Circular storage device कौन सा है जिसमें हम बहुत सारा data store कर सकते हैं, movies store कर सकते हैं, games store कर सकते हैं. Yes, DVD. CD में कर सकते हैं क्या? नहीं, DVD में हम ज़्यादा data store कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा? DVD. Next. A device that is used to play music from the computer so that it can be heard by everyone. क्या करते हैं हमको? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम म्यूजिक प्ले करते हैं कंप्यूटर में और वो सब लोग सुन सकते हैं? यस, स्पीकर. स्पीकर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? म्यूजिक, हम कंप्यूटर में म्यूजिक प्ले करके सब सुन सकते हैं. Yes. प्रिंटर. वी नो दैट We can type letter and create bill on the computer. आप सबको पता है हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? हम कंप्यूटर में लेटर टाइप कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं. But how do you get them on paper? क्या हम इसको पेपर पे ले सकते हैं क्या? We use a device called printer to get it printed on paper. Yes, हम प्रिंटर के थ्रू हम जो टाइप कर रहे हैं उसे हम प्रिंट कर सकते हैं. There are many types of printer with their own quality. Printer के बहुत सारे types हैं, उसके अपने qualities में उसके बहुत सारे types हैं. The sheet of paper on which the work is printed is known as the printer. जो paper sheet पे जो हम work करते हैं उसे हम print कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम print out बोलेंगे. It can also be called a हार्ड कॉपी. उसे हम हार्ड कॉपी भी कह सकते हैं. द फाइल दैट इज स्टोर ऑन द कंप्यूटर इज द सॉफ्ट कॉपी. बट जो हम कंप्यूटर में जो फाइल हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे. और जो हमें पेपर पे प्रिंट होकर मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहेंगे. नेक्स्ट, जॉयस्टिक इज अ गेमिंग कंट्रोल यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जॉयस्टिक क्या है? दिख रहा है आपको जॉयस्टिक? आप टीवी में या कंप्यूटर में गेम खेलते हो, आपके पास होता है ना जॉयस्टिक रिमोट की तरह, उसे क्या कहते हैं? जॉयस्टिक. तो जॉयस्टिक क्या करते हैं? गेम कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. इट हेल्प्स अस टू मूव अवर कैरेक्टर इन अ गेम एज इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. जो पॉइंटर पे है, मतलब जो गेम आप खेल रहे हो उसे कंट्रोल करने में जॉयस्टिक हेल्प करता है. जो आपका पॉइंटर है स्क्रीन पर उसे कंट्रोल करने में जॉयस्टिक हेल्प करता है. इट ऑल्सो हैज मेनी अदर बटन्स विच डू डिफरेंट टास्क इन डिफरेंट गेम. क्या होता है इसमें? बहुत सारे बटन होते हैं अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग गेम के लिए. जैसे आपको आगे जाना है तो अलग बटन होता है, पीछे जाना है तो अलग बटन होता है, आपको जंप करना है तो अलग बटन होता है. ऐसे बहुत सारे बटन जॉयस्टिक में होते हैं. UPS. UPS stand for uninterrupted power supply. UPS का फुल फॉर्म क्या है? uninterrupted power supply. If power supply is cut and you are unable to properly switch off the computer, files may get corrupted. That is, they may break and lose important information. क्या होता है जब आपका पावर सप्लाई कट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? स्विच ऑफ हो जाएगा और
आपकी फाइल है वो क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। जो आपका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा। अ यूपीएस कंटिन्यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर इवन आफ्टर मेन पावर इज कट। जब आपका मेन पावर कट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो यूपीएस है वो क्या करेगा, आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यू रखेगा, आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा। बर्ड स्टॉप कैबिनेट द बॉक्स दैट कंटेन द सीपीयू हार्ड डिस्क एक्सेट्रा इज कॉल्ड कैबिनेट। कैबिनेट मतलब क्या, जिस बॉक्स में हम सीपीयू और हार्ड डिस्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। डेटा रैंडम डेटा रैंडम फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी पर्टिकुलर मीनिंग इज डेटा। क्या है, डेटा का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। इंफॉर्मेशन डेटा दैट हैज सम मीनिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन। कभी कभी डेटा का कोई मीनिंग होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रिंट आउट द शीट ऑफ पेपर ऑन विच अ लेटर इज प्रिंटेड इज कॉल्ड प्रिंट आउट। जो हम पेपर शीट पे प्रिंट कर रहे हैं लेटर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं। हार्ड कॉपी अ प्रिंट आउट इज ऑल्सो नोन एज हार्ड कॉपी। प्रिंट आउट को ही हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी द डॉक्यूमेंट स्टोर ऑन द कंप्यूटर इज अ सॉफ्ट कॉपी। जो डॉक्यूमेंट हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। एक्टिविटी टाइम राइट द नेम ऑफ द मिसिंग पार्ट। यहाँ पे आपको फोर पिक्चर दिए गए हैं, उसमें एक एक पार्ट मिसिंग है, कंप्यूटर के एक एक पार्ट मिसिंग है जो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिसिंग दिख रहा है, यहाँ पे सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। क्या मिसिंग है यहाँ पर, यहाँ पर माउस मिसिंग है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माउस दिखना है। यहाँ पर क्या मिसिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पर कीबोर्ड ये मिसिंग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, बट क्या नहीं है, सीपीयू ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, सीपीयू। यहाँ पर क्या मिसिंग दिख रहा है आपको, मॉनिटर। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, मॉनिटर। लेट्स अस रिकॉल along with the four main parts a computer can have other part for different uses। computer ke kitne four parts hai, main four parts hai, lekin computer ko use hone ke liye aur bhi different different parts ki zarurat rehti hai, uske different different parts bhi hai। speaker and headphones provide sound। speaker aur headphones hume kya dete hain, hume sound provide karte hain। hard disk CDs, DVDs and pen drive are storage devices. They can store different amount of data. क्या है हार्ड डिस्क, सी डी, डी वी डी एंड पेन ड्राइव, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइसेज। इसमें हम अलग 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 तरह से डेटा स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग अमाउंट से डेटा स्टोर कर सकते हैं। सी डी एंड डी वी डी आर प्लेस इन अ डी वी डी ड्राइव। पेन ड्राइव गोज इन अ यूएसबी पोर्ट। सी डी और डी वी डी हम कहाँ रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं हम, वो हम डी वी डी ड्राइव में रखते हैं। और पेन ड्राइव हम कहाँ लगाते हैं, पेन ड्राइव हम यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। नेक्स्ट प्रिंटर आर यूज टू प्रिंट लेटर एक्सेट्रा और प्रिंटेड पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क। जो हम प्रिंट कर रहे हैं लेटर उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम उस पेपर को हम क्या कहते हैं, उस पेपर को हम प्रिंट आउट कहते हैं, और उसे ही हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। जॉयस्टिक्स कंट्रोल द मूवमेंट फॉर द कैरेक्टर विद इन अ कंप्यूटर गेम। जॉयस्टिक क्या करता है, जो हम गेम खेल रहे हैं उस पॉइंटर को कंट्रोल करने में जॉयस्टिक हमारी हेल्प करता है। जॉयस्टिक की हेल्प से हम कंप्यूटर के गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। So our chapter is completed. Exercise in next video. Bye bye.